गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर एकेडमी। डेट है आज 14 जुलाई, दोपहर के बज रहे हैं, एक दिन है संडे का। एक बहुत ही स्पेशल सेशन आज हमारे जो लाइव सब्सक्राइबर्स थे उनके लिए हुआ। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, फ्रेंड्स चैनल का नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स। अगर ये वीडियोज़ आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हों या फिर मार्केट में अगर ये वीडियोज़ आपको कुछ सिखा रहे हों, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। फ्रेंड्स शर्त सिर्फ एक है कि शेयर एकेडमी शेयर्स को करता है थॉरली एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद हम देते हैं शेयर्स में लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह, जिसमें कि मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो शेयर्स की कैटेगरीज में शेयर को रखने के लिए होती है, 3 साल या फिर 5 साल के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, शेयर अकेडमी आपकी इस संबंध में कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहकर इन चीज़ों को सीख सकते हैं। फ्रेंड्स आज का ये सेशन बेहद खास है और उसकी वजह यह है, आप हमेशा से जानते हैं कि शेयर अकेडमी ने इससे पहले कभी भी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमने जब इस चैनल को शुरू किया था तो हमारा मकसद था आपके लिए शेयर्स को एनालाइज करना टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर। धीरे धीरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, करंटली तकरीबन 2200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इनके प्रेशर देने पर हम धीरे धीरे सिखाने के लिए तैयार हुए। और इससे पहले कि जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज थी फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। टोटल 16 वीडियोस के अंदर हमने आपको सिखाया टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक, बिल्कुल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स थोड़े बहुत, और बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस सबके बारे में सिखाया। और अब जबकि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर आया है, तब अब हम चेंज कर रहे हैं अपने एनालिसिस का पैटर्न और अब हम तैयार हैं आपके लिए बिल्कुल नई सीरीज लेकर, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस की और बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है। ये एनालिसिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि मिनिमम 30 सेशंस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको हम सिखाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी शेयर की कैसे की जाए। आज जो कि सबसे पहला सेशन है और इस पहले सेशन के अंतर्गत सेम टेक्निकल एनालिसिस की तरह हम ये जानेंगे कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फ्रेंड्स हम में से हर वो व्यक्ति जो कि मार्केट के अंदर है, जाने अनजाने उसने एक ना एक बार वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना है, और आज का जो ये वीडियो है ये उन्हीं की लर्निंग से हम शुरू करेंगे और लास्ट में उन्हीं की लर्निंग्स पर खत्म करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा कि वॉरेन बफे के दो बहुत ही फेमस कोट हैं, उनमें से एक है, आई नेवर इन्वेस्ट इन एनीथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मैं ऐसी किसी भी चीज़ में निवेश नहीं करता जो कि मुझे समझ में नहीं आती। ये इनका सबसे पहला कोट है जो बहुत फेमस है। और दूसरा कोट है इनका कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन, यानी शॉर्ट रन में मार्केट वोटिंग मशीन है, यानी एक आदमी जिस जगह वोट कर रहा है सारे आदमी जाकर वहीं वोट करने लगते हैं, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह काम करती है, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स अ वेइंग मशीन, लॉन्ग रन में मार्केट वेइंग मशीन की तरह काम करती है, यानी लॉन्ग रन में वही चीज़ सफल होती है मार्केट में जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी वजन होता है जिस चीज़ में। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है मार्केट के अंदर जिसके अंदर वजन होता है, या जब वॉरेन बफे ये कहना चाहते हैं कि लॉन्ग रन में वो चीज़ सफल होती है मार्केट में जिसमें, मतलब इन द लॉन्ग रन मार्केट इज वेइंग मशीन, यानी लॉन्ग रन में मार्केट उसी चीज को रेस्पेक्ट देती है जिसमें वजन होता है, तो आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं वॉरेन बफे इस चीज से। बेसिकली वॉरेन बफे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी किसी भी कंपनी में या किसी भी कंपनी के शेयर्स जब आप खरीदते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बेसिकली वो कंपनी करती क्या है। आई डोंट बाय वॉट आई डोंट अंडरस्टैंड। सो हमारा सवाल है कि क्या आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले ये जानते हैं कि आप क्या बाय कर रहे हैं। मिसाल के लिए अगर आपने हेक्सावेयर को बाय किया तो क्या आपको पता है कि हेक्सावेयर कंपनी करती क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी को करंट ईयर में कितना मुनाफा हुआ है या पिछले साल कंपनी का कितना मुनाफा था। सो जब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तब उस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी भी कंपनी के बारे में वो सारी जानकारी रखना जिससे हमें यह पता चले कि कंपनी कितनी मजबूत या कितनी कमजोर है। नाउ अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि
फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर किसी भी कंपनी के बारे में क्या क्या जानकारी आती है, तो इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हमको आपको बताना हो तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में यह जानकारी आती है कि कंपनी आखिर करती क्या है। अगर आप हेक्सावेयर को चूज करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हेक्सावेयर किस तरह के बिजनेस में है। कोई सामान बनाती है, किसी तरह की कोई सर्विसेज देती है पब्लिक को, क्या काम कर रही है कंपनी, किस बिजनेस के अंदर है, यह जानना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जब एक बार आप यह जान गए कि कंपनी क्या सामान बना रही है या कौन से धंधे के अंदर है, तब सेकंड चीज है जानना कंपनी के बारे में बेसिक्स। बेसिक्स में कंपनी का करंट रेट क्या है, वॉल्यूम कितना आता है, कंपनी की मार्केट कैप क्या है। फ्रेंड्स, अभी इन जो भी हम वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनमें से आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से इसे सुनते रहिए। जैसा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में भी कहा था, यहां भी कह रहे हैं सेशंस 30 कंप्लीट होने दीजिए। 30 सेशंस कंप्लीट होते होते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ शांति से सुनिए, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम आपको जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो सेकंड स्टेप है ये जानना कि आखिर कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पीई क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें। फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका कंपनी में कितना हिस्सा है, ये सब जानना। देन कम्स कंपनी की बैलेंस शीट, भाई कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी के ऊपर लोन है या नहीं है, कंपनी के पास में टोटल कैश रिजर्व कितना है आज की डेट में, अगर कंपनी के सनराइज डेप्टर्स हैं तो वो कितने हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है कंपनी की, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, बुक वैल्यू क्या है। फिर कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी एक साल में कितना धंधा करती है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, भाई पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था और इस साल कंपनी का प्रॉफिट कितना है। देन प्रॉफिट मार्जिन्स, पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे रहे। देन क्वेश्चन, कंपनी का कैश फ्लो, भाई कैश फ्लो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है, कंपनी निवेश पर कितना खर्च कर रही है। ये सारी जानकारी जब आप एक जगह कहीं इकट्ठी करते हैं तब इस पूरी एनालिसिस के बेसिस पर किसी भी शेयर को खरीदना है या नहीं, जब आप ये तय करते हैं तब इस एनालिसिस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली लंबे समय में कोई शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं, ये इस बात पर तय करता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहें ना, तो फंडामेंटल का मतलब है कि कंपनी अंदरूनी रूप से कितनी मजबूत है अपने धंधे को लेकर, कंपनी कितना बढ़िया धंधा कर रही है, जितना बढ़िया धंधा करेगी उतने बढ़िया उसके फंडामेंटल्स होंगे, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। और हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि थोड़े समय में तो आरकॉम और सुजलॉन जैसी कंपनियां अच्छा धंधा कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में अगर कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी के फंडामेंटल्स या कंपनी का धंधा अगर अच्छा नहीं है ना, तो लंबे समय में जो वॉरेन बफे ने कहा है कि मार्केट इज अ वेइंग मशीन, वो अपना असर डालती है। सवाल कैसे, ध्यान से देखिए। कई बार यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे हैं, यूट्यूब पर आपको हजारों चैनल्स ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की तारीफ ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, और वो कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती। दूसरी तरफ बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, एफएनओ सेगमेंट काम नहीं करता। हमारा कहना है कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि आपकी एक्सपर्टीज आपको किस में करनी है। नॉलेज सारे काम करते हैं, शर्त सिर्फ एक है कि आपको नॉलेज को अच्छी तरह से एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आप नॉलेज को एनालाइज नहीं कर सकते तो वो नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए नॉलेज सारी रखिए। टेक्निकल एनालिस्ट या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स आपसे कहेंगे कि फंडामेंटल्स बिल्कुल काम नहीं करते, दो दिनों के अंदर ही फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं और शेयर अचानक से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं कि मार्केट के टेक्निकल्स जो हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, चार्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हमारा कहना है कि जानकारी सारी रखिए और डिसीजन अपने विवेक के आधार पर लीजिए, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट के कुछ लोग ये कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती, तो क्या ये वाकई सही है। और आइए अब देखते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ट लेते हैं और उसके बाद उस चार्ट को एक बार फंडामेंटल्स के आधार पर देखते हैं। कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी, लगातार गिर रही है ऊपरी स्तरों से और हर लेवल पर कंपनी को अवॉइड करने के लिए कहा गया।
तो अगर कोई कंपनी इतनी बुरी तरह से गिर रही है और किसी इंसान को अगर इस कंपनी को निचले लेवल पर खरीदना है, तो सबसे पहला सवाल उसका होना चाहिए कि क्या ये कंपनी रिकवर करेगी अगर निचले स्तरों पर हम खरीदते हैं तो। और इस सवाल का जवाब आपको कहाँ से मिलेगा, ये कंपनी रिकवर करेगी या नहीं, ये जवाब मिलेगा आपको इसकी फंडामेंटल एनालिसिस से। ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म में सुजलॉन का शेयर अप ट्रेंड में आया था और कहाँ से, 46 रुपये से 100 रुपये तक गया, 130 रुपये तक, 3 गुना हो गया अपने निचले स्तरों का। बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर वापस डाउन ट्रेंड में आया और करेंटली 4 रुपये के पास में ट्रेड कर रहा है, 5 रुपये के पास में, यानी लॉन्ग टर्म में शेयर पर मार पड़ी। अगर ये सही है और अगर वॉरेन बफे की बात सही है, तो इसका मतलब इसके फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, क्या सुजलॉन के फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ है क्या। सिंपल, सुजलॉन का बैलेंस शीट खोल कर रखा है हमने, सुजलॉन एनर्जी का बैलेंस शीट, और सिर्फ इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं, किसी भी कंपनी में अगर लोन बहुत ज्यादा है ना, तो उस कंपनी में लंबे समय में अगर वो लोन चुकाने में अपना असमर्थ रहती है तो कंपनी में समस्या आनी आनी है। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो सुजलॉन एनर्जी के पास में लोन शानदार होना चाहिए, बहुत जबरदस्त। तो आइए देखें कि क्या बैलेंस शीट में सुजलॉन के लोन की हालत खराब है। तो जरा ध्यान से सुजलॉन की बैलेंस शीट में टोटल डेट, सिर्फ ये पार्ट देखिए, डेट का मतलब है लोन, और ध्यान से देखिएगा, मार्च 14 में 8,000 करोड़ का लोन, मार्च 15 में 9,000 करोड़ का लोन, मार्च 16 में ये लोन 5,500 करोड़ का था, और मार्च 16 में जरा सुजलॉन के चार्ट को देखिए, ओके, मार्च 16 में सुजलॉन के चार्ट को हम देखते हैं, ओके, और सुजलॉन था तकरीबन 14 रुपए के आसपास, यहां पर रेट देखिएगा, दिखेगा आपको 14 रुपए के आसपास मार्च 16 में सुजलॉन ट्रेड कर रहा था, ओके, 20 रुपए के आसपास में, 14-20, ओके, और वहां से लोन लगातार बढ़ता जाता है, 5,500 करोड़, देन 6,000 करोड़, देन 7,000 करोड़। कंपनी के पास में कैश रिजर्व कितना है, नेगेटिव में, यानी ये मान ये कि एक आदमी है जिसके ऊपर 7,000 रुपये की उधारी है और उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ना, एक आदमी के ऊपर 7,000 रुपये की उधारी है और उसकी जेब में एक पैसा नहीं है, उसके बैंक में एक पैसा नहीं, उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उधार भी 7,000 रुपये का है। अगर ये आदमी आपसे और उधार मांगने आए, बोले कि मुझे 1,000 रुपये उधार दो, तो क्या आप इस आदमी को और उधार देंगे, जवाब है नहीं, क्योंकि आप पूछेंगे कि भाई उधार तुम चुकाओगे कैसे और आदमी के पास में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये चीज़ इसके चार्ट पर दिखनी चाहिए, और लगातार सुजलॉन के चार्ट को देखिए, मार्च 2016 से कॉन्टिन्यूसली, ये मई 16 है, मार्च 16 लगाते हैं इसका, मार्च 16, शेयर कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, लगातार गिर रहा है, और ये शेयर, इसकी हालत खराब होनी शुरू हुई थी मार्च 14, उससे भी पहले। जब भी किसी कंपनी के पास में लोन ज्यादा है उसके कैश रिजर्व से, तो कंपनी की हालत खराब होनी है, और आप देख सकते हैं कि कंपनी की हालत खराब है। सेकेंड शेयर निकालते हैं आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, ओके, इस कंपनी की भी हालत खराब है, आपको पता है अच्छी तरह से, पूरी तरह से गिर रहा है शेयर, 2 रुपए का हो गया है, कहां से गिर रहा है शेयर, 500 रुपए से। अगर ये चीज सही है तो इसका मतलब कि रिलायंस कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ समस्याएं होनी चाहिए और हमको ये चीज़ उसके बैलेंस शीट पर दिखनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट पर रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, ओके। सो देखते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन के बैलेंस शीट पर क्या हाल है, ओके। और फ्रेंड्स, जरा रिलायंस कम्युनिकेशन की बैलेंस शीट को ध्यान से देखिएगा, कंपनी के पास कैश रिजर्व 11,000 करोड़ है और कंपनी का टोटल डेट 28,000 करोड़ है। यानी अगर आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएं, तो ये एक ऐसा आदमी है जिसकी जेब में 11 रुपया है, बट इसके पास में उधार 30 रुपए का है और इसको ये उधार चुकाना है। अगर ये आज की डेट में अपनी जेब में मौजूद पैसे से पूरा उधार चुका भी देता है, तो भी इसके पास में करीब करीब 20 रुपए का लोन बचेगा। क्या ऐसे किसी आदमी को आप और लोन देना चाहेंगे जिसके ऊपर अभी भी 20 रुपए का लोन है, अपना पूरा लोन चुकाने के बाद? जवाब है नहीं। बैलेंस शीट का एक पार्ट देखते ही किसी भी कंपनी के बारे में आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं, और अब इसके बाद, ये हिस्सा देखने के बाद, अगर आपसे कोई लाख कहे कि सुजलॉन खरीद लो,
इतने निचले स्तरों पर मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए कि क्या आप सुजलॉन खरीदेंगे उसका लोन देखने के बाद, या क्या आप रिलायंस कम्युनिकेशन खरीदेंगे उसका लोन देखने के बाद। और क्वेश्चन, हमने क्यों सबसे पहले आपको सिर्फ लोन के बारे में बताया? उसकी वजह यह है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो कल्चर हमें दिया गया है, जिसमें हमें हमेशा सिखाया जाता है कि बेटा पहले सेव करो, बचा लो पैसा, जब जेब में पैसा आ जाए उसके बाद खर्च करो, इसलिए सबसे पहली चीज जो हमारी समझ में आती है वो है कि उधार बुरी चीज है। और वो सही है, लंबे समय में अगर आप अपना उधार नहीं चुका पाते तो वो एक बुरी चीज है। सेम वही चीज किसी कंपनी पर भी लागू होती है। इसीलिए हमने जो सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए लिया वो है किसी कंपनी में ये देखना कि उधार है या नहीं। इसीलिए आमतौर पर जब आप देखते हैं कि निवेशक, बड़े बड़े निवेशक कुछ बताने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं हमेशा डेट फ्री कंपनीज चुनिए, हमेशा ऐसी कंपनीज चुनिए जिनमें लोन ना हो। सो फंडामेंटल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी की हालत कैसी है। और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि सुजलॉन या आरकॉम, ये देखने के बाद अगर आप अब आपसे कोई कहे कि इन दोनों कंपनियों में निवेश करो तो क्या आप निवेश करेंगे? जवाब हमें पता है, बट आपके आंसर की हमें दरकार होगी फ्रेंड्स। और आपका आंसर और आपके कमेंट्स ही ये तय करेंगे कि इस सीरीज को हम आगे कितनी तेजी से लेकर जाएं। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स उतनी तेज़ी से हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जुलाई महीने के लास्ट तक खत्म होते होते फंडामेंटल एनालिसिस के नियमित वीडियोस डालते रहें, ताकि फंडामेंटल एनालिसिस आपकी समझ में आ जाए, जो बेसिक है मोटा मोटी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो पूरे इस वीडियो का जो कि तकरीबन 16 मिनट्स का है, अगर क्रक्स निकालें तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली है क्या? किसी भी शेयर के बारे में या किसी भी शेयर के पीछे मौजूद कंपनी के बारे में जानकारी जुटाना, जो कि डाटा बेसिस पर कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी, कंपनी कैसा कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कितना बेचती है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, और भविष्य में इस कंपनी में आगे ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं, इस जानकारी को जुटाना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। और इसी शेयर को, किसी कंपनी के शेयर को चार्ट पर देखना कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये है सबसे पहला वीडियो आज का फ्रेंड्स, जो कि है कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, या किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या था। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि शेयर एकेडमी का मकसद और एक्सपर्टीज लेमैन लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स को और वॉचर्स को यह समझाना है वो टेक्निकल टर्म्स जो सबसे ज्यादा कठिन और समझ में ना आने वाले हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि भाषा हल्की और कंटेंट हल्का रख रहे हैं हम, तो ये कंटेंट और ये भाषा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हैं और जो अपना पहला लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस मार्केट के अंदर। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जर्नी जो हमने लर्न टू अर्न सीरीज से शुरू की थी, जहां हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाया, और हम गर्व से कह रहे हैं कि अब हमारे व्यूअर्स टेक्निकली वीक शेयर्स को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि सर ये पर्टिकुलर शेयर, इसका चार्ट बहुत वीक है, इसको अवॉइड ही करना है। कन्फर्मेशन सिर्फ हम दे देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, डाउन ट्रेंड के अंदर अवॉइड करना है। सेम उम्मीद करते हैं हम फ्रेंड्स कि आप अगले 15 डेज के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक सीख जाएंगे, जिससे कि आप कम से कम कचरा शेयर्स को और खराब शेयरों को दूर रख सकेंगे। एडवांस लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम सभी इस काबिल हो जाएंगे कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को ढूंढकर अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स आज का ये सेशन हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने कमेंट्स देकर हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट दीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक दिन के अंदर मिनिमम 2 से 3 वीडियोस हम लर्निंग के ज़रूर देते रहें, ताकि इस पूरी सीरीज़ को हम जल्द से जल्द ख़त्म करके अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है पोर्टफोलियो मेंटेन करना, उस पर कंसंट्रेट कर सकें। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल अपनी मेहनत में ज़रा सा भी कामयाब हो रहा है, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, और आपके जो सीरियस निवेशक दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए इसे। साथ ही अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मन की बात सीरीज, याद है ना आपको, ये वीडियोस इन वीडियोस की तरह बनाइए, वीडियोस मन की बात की तरह, जिसके अंदर अपनी डिवाइस हमें जरूर दिखाइए किस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग या फिर निवेश करते हैं। इन वीडियोस को भेजिए हमारे मॉडरेटर्स के पास में, जिनका नंबर आपको मिलेगा हमारे इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम आपकी परमिशन से आपके वीडियोस को अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। अगर आप चाहें तो हमारे
प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं मन की बात सीरीज के वीडियोस के आधार पर ही फ्रेंड्स। और अगर आपको लग रहा है कि शेयर एकेडमी की आप मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमारी मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में जो कि होगा फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड का सेकेंड वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।